स्वागत है आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। मैं आपके साथ नौशीन परवीन, पेश आपके सामने अब तक के मुख्य समाचार। हरिद्वार महाकुंभ 2021 में किन्नर अखाड़े की धर्म ध्वजा की स्थापना को लेकर किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने मां गंगा की पूजा अर्चना कर हजारों की संख्या में संत महापुरुष और तपस्वियों की मौजूदगी में धर्म ध्वजा की स्थापना की। स्थापना से पहले अखाड़ों की परंपरा के अनुसार पूजा पाठ कर धर्म ध्वजा स्थापित करने की प्रक्रिया को पूरा किया। आपको बता दें कि हिमालय की गोद में 12 वर्षों तक कठोर तप करने के बाद और महाकुंभ जैसे आयोजन में ही एक बार किन्नर अखाड़े के संतों के दर्शन हो पाते हैं। ऐसे तपस्वियों के सानिध्य में आज किन्नर अखाड़े की धर्म ध्वजा की स्थापना हरिद्वार के लाल तारा पुल पर माँ गंगा के पावन तट के समीप पर हुई। आपको बताते चले हजारों की ज्यादा की तादाद में आए हुए पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु भी इस वक्त धर्म ध्वजा की स्थापना के साक्षी बने, जनसैलाब मौजूद रहा। इस नज़ारे को देखने के लिए एक बड़ा ही दिव्य और भव्य, आपको बताते चलें कि जिस स्थान पर धर्म ध्वजा की स्थापना होनी है वहां पूजा का पूर्ण कार्य पूर्ण हो चुका है। पूजा के बाद धर्म ध्वजा की पूजा स्थल पर ही स्थापित किया गया है। बाकी रह गया वो अखाड़ों की अपनी परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए आज किन्नर अखाड़ा धर्म ध्वजा की स्थापना कर रहा है। आपको बता दें किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का कहना है कि जूना अखाड़े ने आज किन्नरों को पहल देकर सनातन धर्म की रक्षा के लिए साथ साथ उनको भी अखाड़े में शामिल किया। जूना अखाड़े को धन्यवाद करते हुए बताया, हरिद्वार पहुंचकर जो स्वागत किन्नर अखाड़े का हुआ वो किन्नरों के इतिहास के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज रहेगा। इतना ही नहीं, स्नान भी जूना अखाड़े के साथ के लिए भी जूना अखाड़े का धन्यवाद दिया। अगर सूत्रों की माने तो असल संतों की जिंदगी का महत्व संत आचार्य और महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े को जाता है। इन संत किन्नरों को ना तो पैसा का मोह है ना भूमि का। उनका हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही लक्ष्य, सनातन धर्म की पहचान हो, सभी का एक साथ चलना और सनातन धर्म की रक्षा करना। हरिद्वार है ये जो 12 साल में कुंभ आते हैं और धर्म ध्वजा हमारे खड़े होते हैं, ये हमारा देवता माना जाता है तत्व भगवान की कृपा से। और कल जो है पेशवाई होगा, कल पेशवाई में जो है नागा बाबा सभी नंगे बाबा होगा भस्मी चढ़ा करके अपना, और अपने पेशवाई में सब तैयार हो जाएंगे। और शाही पेशवाई जो है अखाड़े में ही हमेशा हर साल कुंभ मेला प्रारंभ होता। हमारे जो संत जितने भी संत है ये सब नागा बाबा हैं, ये सभी नागा बाबा है। और ये सभी जो है जैसे गिरनार में स्याही निकलते हैं, इसी प्रकार से 4 स्नान हैं, 4 नहान होगा, कुंभ मेला प्रारंभ होगा। और करोना तो मान लीजिए करोना नहीं है, करोना तो ये कृपा है, करोना तो नहीं है, सभी अच्छा रहेगा, कुंभ मेला बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा सुंदर रहेंगे, बहुत अच्छा ठीक चलेगा मेला, 1 महीने और अच्छा मेला चलेगा। तो हमारे नागा बाबा जो है सभी भस्मी चढ़ाया कल पेशवाई में जाएंगे, कुंभ मेला बहुत अच्छी उत्तम और सुंदर रहेगा, अच्छा रहेगा। जनता को क्या संदेश देंगे? जनता है, जनता जो सरकार छोड़ेंगी ये पब्लिक के जो है जनता के ऊपर क्या है, सरकार के ऊपर। सरकार ये कोरोना के चक्कर में जनता को परेशानी कर रहे हैं, जनता जो है आना चाहता है कुंभ मेला में, अरे कोरोना का चेक करो,
कोरोना चेक करो, जब हम आएंगी जाएंगी ये तो सरकार के ऊपर है। सरकार जब रास्ता देंगी जब ही आएंगी, ये सब बात है। हर हर महादेव, नमः पार्वती पति।